मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के शंकर मंदिर नाके पर न्यू संगम किराना स्टोर में दोपहर के वक्त में ही दो चोरों ने चोरी की घटना को बड़ी ही चालाकी से अंजाम दिया है, मगर इन चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। किराना स्टोर चलाने वाले दीपक ने बताया कि दुकान में वो मौजूद थे और चोरों ने हाथ साफ कर दिया और उन्हें पता भी नहीं चला। दरअसल दोपहर के वक्त दुकान के कर्मचारी खाना खाने चले गए थे, इसी दौरान दीपक दुकान में कुर्सी पर बैठे थे, तभी एक शख्स ऑटो रिक्शा लेकर आता है और दीपक से झाड़ू दिखाने के लिए कहता है। इसी दौरान दूसरा शख्स पीछे से दुकान में दाखिल होता है और दुकान में बैठकर वो धीरे धीरे गल्ले के पास पहुंचता है और उधर ऑटो रिक्शा वाला झाड़ू दिखाने के बहाने दुकानदार को उलझाता है। गल्ले से नकदी निकालने के बाद ये चोर भी बाहर दुकान से निकल कर आता है और उसी ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ जाता है और दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। दुकानदार जब गल्ले में पैसा नहीं पाया तो सीसीटीवी चेक करने पर यह सारा माजरा सामने आया। दुकानदार ने बताया कि करीब 12 से 13 हज़ार रुपये थे जिस पर चोरों ने हाथ साफ किया है। हालांकि अभी तक इन्होंने इस संदर्भ में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नहीं कराई। क्या नाम है आपका? दीपक भाई। स्टोर का क्या नाम है? मेरा दुकान का नाम है न्यू संगम किराना स्टोर। अच्छा, यहाँ पर चोरी की घटना हुई है, क्या हुआ? मेरा क्या हो गया, कल दोपहर को मैंने वहाँ पे बैठा था, दोपहर को 2:30 बजे का टाइम था, 2:30 और 3 के बीच में मेरे पास दुकान के अंदर चोरी हो गया। जैसे कि वो आदमी, मेरे पास कैमरा भी है, उसमें फोटोज भी आया है, शक्ल थोड़ा कम आया, लेकिन वो उधर से ऐसा आया बैठ के नीचे और गला साफ करके गया। मेरा 12,000 रुपया मेरा था। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है एक ऑटो रिक्शा भी, एक ऑटो रिक्शा वाला आया, ऑटो रिक्शा वाला उधर ऑटो रिक्शा खड़ा किया और उसने मुझे झाड़ू मांगा, तो मैंने झाड़ू देने को गया, जैसे झाड़ू दिया उधर देखा तो वो पीछे से घुस गया ऐसा मेरे पीछे से और आगे सीधा, और बाद में चोरी करके भी गया तो वो आदमी रिक्शा में बैठा वो भी देखा मैंने। अच्छा, उसी रिक्शे में? हाँ, उसी रिक्शा में बैठा और वो झाड़ू छोड़ के चला गया, रिक्शा ऐसा घुमाया इधर मेरे दुकान से बाजू में से। अच्छा, दिन में ही हुआ है? हाँ, दिन में, दोपहर को 3 बजे की बात है, 2:30 और 3 के बीच में हुआ है। कितना पैसा रहा? मेरा 12,000 रुपया था, मैंने गिन के रखा था मैं व्यापारी को देने के लिए, वही 12,000 पूरा गला साफ करके गया और समझो 1,000-1,500 दूसरा रहेगा वो तो मैं गिना ही नहीं था। तो पुलिस में कंप्लेंट वगैरह कुछ किए है सर? कंप्लेंट अभी कल से सोच रहा हूँ, अभी तक किया नहीं हूँ लेकिन अभी करने वाला हूँ। वजह क्या, इतना देर क्यों कर दी? वजह बस अकेला पड़ गया हूँ दुकान में, जाऊँगा थोड़ा लेट हो गया है तो सोच रहा था कर दूंगा अभी तक किया नहीं है मैंने।